हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी नहा धो के रेडी हो गए हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करनी है मुझे। जैसे कि मैं अभी चेक कर रहा था, मतलब यूट्यूब पे डेली चेक करता हूँ ना मैं, इसका और मेरे इतने फेक चैनल बने हुए हैं और उन पर इतनी फेक वीडियोज़ आते रहते। अभी एक वीडियो आई सरजोश की गर्लफ्रेंड, मेरी कोई फ्रेंड है बहुत पुरानी, तो उसकी मैंने फोटो डाल रखी अपनी फेसबुक वगैरह पे, तो उसकी मतलब डाल डूल के पता नहीं किस तरह से बना रखी है। एक एक दिन में एक एक लाख व्यूज ले रहे हैं लोग इसके नाम पे, मेरे नाम पे वीडियो बना के, फेक चैनल बना के। इसकी एक वीडियो पे 30 मिलियन व्यूज भी हैं, मतलब मेरी वीडियो पे नहीं है 30 मिलियन, जो अपना मेन चैनल है, इसकी वीडियो पे 30 मिलियन व्यूज है, मतलब 3 करोड़ व्यूज। हाँ, फेक जो भी है। तो देख के ना काफी बुरा लगता है यार, लोग फेक वीडियोस बना रहे हैं, हमारी वीडियोस में से निकाल के कुछ कुछ बना दिया, टाइटल थंबनेल चेंज मार के डाल दिया, बस वही सेम वीडियो, और उनके व्यूज आते हैं। मतलब मैं देख रहा हूँ एक दिन में इतने व्यूज हमारे नहीं आते थे एक साल पहले, 1 लाख व्यूज एक दिन में। देख के काफी बुरा लगता है, क्योंकि काफी लोग ना इतनी मेहनत करते हैं, हमारी तरह व्लॉग बना रहे होंगे, आप लोग देख रहे हो, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे होंगे, बट कुछ लोग इस तरह से कर रहे हैं फेक वीडियोस बना के और व्यूज ले रहे हैं, फिर बाद में वो जब मोनेटाइजेशन होने लगा फिर चेंज कर देंगे, उनको तो फायदा हो जाएगा, और जो लोग एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं उनके व्यूज नहीं आएंगे। इस चीज पे ना यूट्यूब को कुछ करना चाहिए, बिकॉज हमको इतना टाइम नहीं होता, हम एक एक वीडियो को स्ट्राइक दें, हम एक एक चैनल को उड़वाएं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं तो देख भी नहीं पाता इतनी वीडियो, बट फिर भी आगे से आ जाती है। मैं देखता हूँ यार इतने व्यूज कैसे आ रहे हैं, यूट्यूब को पता नहीं चलता कि फेक चैनल है। जो लोग देखते हैं सबसे मेन बात व्यूअर्स, मैं कमेंट्स देखता हूँ, कमेंट्स में जेन्युइन कमेंट्स आते हैं कि बिग फैन, ये तुमने ये कर दिया, मैं कहा यार फेक चैनल है, फेक वीडियो है, फिर भी लोग लिख रहे हैं, लोगों को पता नहीं चलता। तो गाइज सिर्फ हमारे 2 चैनल हैं, सौरभ जोशी व्लॉग, सौरभ जोशी आर्ट। तो जो वीडियो सौरभ जोशी व्लॉग पे आएगी ना हमारी व्लॉग की, वही देखा करो, अदरवाइज किसी और को ओपन मत किया करो, उसको फालतू का व्यूज मिल जाएगा। और इसके भी, इसके तो बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं गेमिंग का। और पहले बताया तो मैं अब फ्री फायर बिल्कुल छोड़ दी है, अब मैं बिल्कुल भी नहीं खेलता गेम वगैरह, तो मैं इसको खेलने नहीं देता। और इसके भी कोई भी चैनल नहीं है, वीडियो पे क्लिक मत किया करो, आप लोग भी देखा करो यार, सौरभ जोशी व्लॉग की वीडियो है ओरिजिनल, तो ही देखा करो। और रही बात इंस्टाग्राम की, इंस्टाग्राम पे भी 100 से भी ज्यादा फेक अकाउंट्स हैं, मेरे भी, पीयूष के भी, सभी के ही हैं, और उनके फॉलोअर भी बढ़ रहे हैं, उन पे भी देख रहा हूँ मैं, लोग कमेंट कर रहे हैं कि हाँ तुम्हारा रियल अकाउंट है, तो नहीं है गाइज। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको आईडी दे दूंगा, मेरी, पीयूष की, साहिल की और ओरियो की, जो रियल आईडी है वही है। और एक और बात मेरे को सुनने में आई थी, काफी लोग मुझे बोल भी रहे थे मेल करके, तुम्हारी आईडी पे कोई तुम्हारा नंबर बांट रहा है पैसे दे के, मैंने 5,000 में तुम्हारा नंबर लिया है, मुझे व्हाट्सएप मैसेज आता है 5,000 में नंबर लिया, मैं 5,000 रुपए दिए तूने, कोई कह रहा है 500 में नंबर दिया है, कोई कह रहा है 1,000 में दिया है, मतलब ये सब देख के ना मतलब इतना बुरा सा लगता है कि क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। तो गाइस इन चीजों पे बिल्कुल भी विश्वास मत करना, क्या पता कोई फेक नंबर दे, कैसा भी दे, रियल भी दे, तो इस तरह से पैसे देने की कहीं भी जरूरत नहीं है। बाकी जो भी है, मैं एक सिंपल इंसान हूँ आपकी तरह, कोई हाई फाई कुछ भी नहीं है, आपने देखा होगा सिंपल लाइफ है। हाँ ग्रो कर रहा हूँ वो बात अलग है, बट मेरे को इसी तरह से रहना पसंद है, मैं आप ही की तरह हूँ, ज्यादा हवा मत बनाया करो इन चीजों का। बाकी बस यही कहना था, कह दिया बस। खाना खाओ, कह रही हूँ सुबह से खाना नहीं खा रखा है। तो अभी टाइम हो चुका है 1:30 और अब हम करेंगे अपना लंच ब्रेकफास्ट एक साथ में। क्या बनाया? भूखी अभी लगती है, कढ़ी चावल। ओ नो, कल कह रहा था फिर कढ़ी चावल नहीं बना रहे हो, कढ़ी चावल नहीं बना रहे, बना दी मैंने। और ही चले, चलो चलो चलो। तो गाइस अभी है लंच टाइम, तो सभी है यहाँ पे, पापा जी को छोड़ के, बुलाओ पापा जी को, बुलाओ। तो आज पापा जी, आज थोड़े गुस्सा है हमसे, तो उनको मनाना पड़ेगा, अभी मनाते हैं उनको, मिशन बड़े पापा को मनाना। रुको यार, हेलमेट हेलमेट पहनो, कहीं फटे मारेगा। चल बनाते हैं, हेलमेट तो पहन लो। बड़े पापा आ जाओ ना, खा लूंगा थोड़ी देर, अभी आओ ना हमारे साथ, आ जाओ ना। तो बड़े पापा मना कर रहे हैं खाना खाने के लिए। लो क्या खाना, मंदिर में, मंदिर में आपके लिए लाया हूँ मैं, काम कर रहा हूँ, तो काम कर रहा हूँ, खाना हम खाना खा रहे हैं, खा लो तुम, रख दे। खतरनाक गुस्सा पापा जी का, क्या ढूंढ रहे हो इसमें, क्या मिलेगा आपको इसमें, खजाना मिलेगा क्या इसमें? दवाई डाल रहा हूँ, कीड़े लग गए गेहूं में। तो गाइस गेहूं में सारे कीड़े लग चुके हैं देखो। तो पापा जी रूठ गए, उनको मनाना पड़ेगा अच्छे से, बाकी 100% मेरा ही फॉल्ट है यार इसमें, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, क्या ही करें यार, अब मैं मानता हूँ मेरी गलती हो जाता है कभी कभी घर में। तो अभी का सीन ऐसा है, अभी मन कर रहा है थोड़ा बाहर जाने का, तो आज चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे, गाड़ी में ही चलेंगे और बिना उतरे वैसे ही वापस आ जाएंगे। ये यहाँ पे इतने गर्म पानी से मुँह कैसे धो रहा है तू, ऊपर टंकी गर्मी से पूरी तप रखी है। आगे हैं, रुको ओली मैं लिखूंगा, ओली तोड़दा आगे हैं, ओली। एक काम करते हैं अपन चलते हैं गांव की साइड। तो आज तीनों भाई जा रहे हैं सिर्फ, क्योंकि आज काफी जल्दी जा रहे हैं। एक बहुत बेकार बात लगती है मुझे आईफोन की, कि हीट होता है। अभी 5 मिनट हुए हमको घर से निकले हुए, फोन मैंने यहाँ लगा रखा था और देखो टेम्परेचर, आईफोन नीड्स टू कूल डाउन, मतलब इतना महंगा फोन ले रखा है,
पांच मिनट में इतना हीट हो गया कि बंद ही हो गया और वीडियो बनाना बंद हो गया। फिलहाल मैं अभी 11 से शूट कर रहा हूँ। एक काम कर, फ्रीजर में डाल दे, फ्रीजर में डाल दे। तो फिलहाल अभी हम निकल पड़े हैं गाँव की तरफ, चारों तरफ खेत ही खेत है। तो आईफोन वालों कुछ करो इसका। वैसे बाहर टेम्परेचर क्या है? तो बाहर टेम्परेचर है 43, बट मैंने तो यहाँ लगा रखा था, इवन अंदर एसी भी चल रहा है। तो अभी हम चलते जा रहे हैं बट रोड खत्म ही नहीं हो रही, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। चले वापस। मोड़ो और क्या, हम एक अभी कह रहे हैं, एक घंटे से कह रहे हैं मोड़ो। सामने खेत में कटाई हो रही है, चलो वापस चलते हैं। चलाएगा पक्का ना? हाँ। भाई रोड पतली है यार काफी, मैं चला लूंगा। देखा आगे सूरज भी है भाई, तो अब साइड चलाएगा। रोड काफी पतली है, मुझे डर लग रहा है इसको दूं ना दूं। मैं भी अपना ध्यान से पतली रोड है भाई। सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई यार? सीट बेल्ट लगाया कर, स्टेयरिंग में लगाता हूं। स्टेयरिंग में कुछ नहीं होता, चला। इस लाइन से इधर रख, जैसे हाँ पता है रोड पे लाइन है ना, इस लाइन के इधर रखनी अपन ने। हाँ पता है मेरे को। तो गाइस लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं गाड़ी सीखूंगा, और आज साहिल गाड़ी चला रहा है हमको बिठा के, लिटरली। ये तो लिटरली सोचा ही नहीं था यार कभी। सब कुछ आप लोगों की वजह से। लाइसेंस है इसके पास, वैसे लर्निंग लाइसेंस बनवा रखा है इसने। पीयूष यार भूख लग रही है, क्या कुछ बाहर का तो खाना नहीं अपने को। उए, ध्यान से साहिल, ध्यान से, बहुत पतली रोड है, स्लो चला, स्लो। पता क्या करें फिर, क्या खाएं? घर जाइए कुछ बनाते हैं। क्या बनाओगे? कुछ हेल्दी बनाते हैं। सूप? हाँ सूप पीते हैं। चलो देखो, निकल लेते इसको। पीछे भी देख, पीछे भी कोई आ रहा हो तो। आगे देख, आगे कोई है, आगे से भी गाड़ी आ रही है। ऐसी सिचुएशन में तेरे को पहले तो या तो अगले वाले को निकलने दे, या उधर से देख, पीछे भी देख। तेरे को चारों साइड नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि मेन रास्ता है ना ये, और सबसे मेन तेरे को ये गाय बैलों का भी देखना पड़ेगा। भाई खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, देखो पीछे से आ रही है, उसको निकलने दे बस। तो साहिल अभी सिटी के अंदर भी चला रहा है, बिल्कुल सही, देखो अच्छा लग रहा है काफी देख के। तो डर तो नहीं लग रहा ना अब? बिल्कुल भी नहीं। डर क्यों लगेगा? सुन, ये जो बाइक वाले होते हैं ना, इनको ध्यान रखियो, बिकॉज ये ना ऐसे ऐसे चलाते हैं, ऐसे ऐसे सांप की तरह चलते हैं। हाँ ये देख, गाय भगा रहे हैं अभी फिलहाल ये, तो ये सांप की तरह चलते हैं। तेरे आगे ऐसे घूमेंगे ना ये, एक तो तेरे गुस्सा भी आएगा इन पे, और तेरे कंट्रोल में रह के चलानी है इनको, देख के इनको, गाय से बच के। बाइक वालों को पता है, बाइक वालों को हॉर्न ठोका कर, ठोकता रहा हॉर्न, ठोकता रहे, और गाय को भी हॉर्न ठोकता रहे, और स्लो कर ले बिल्कुल। चुपचाप उधर वाले, भाई 18 साल का हो जा पहले। चलो बैठो। अरे भाई मेन रोड पे खड़े हैं, ऐसी जिद नहीं करते। पीयूषी, पीयूषी हाँ तेरे पैर पोछते हैं, पैर से चलाते हैं भाई। भाई पीयूषी, साहिल ने सही लगाई है वैसे। साहिल ऐसे ही रोका कर, साइड में रोका कर, ठीक है? चलो। जैसे भी रोक रख। पीयूषी चल उधर, पैर ही नहीं पोछते तेरे, तेरे पैर ही नहीं पोछ रहे। भाई पैरों से चलती गाड़ी, हाथों नहीं चलती। चल उधर चल यार, टाइम नहीं इतना। जब जिस दिन तू 18 साल का होएगा तब तेरा लाइसेंस बनाएंगे, तब चलाना सीखेगा भाई। तू इन्फ्लुएंसर है, लोगों गलत इन्फ्लुएंस नहीं करना। आई एम सॉरी बाबू भैया। नहीं मैंने देखा है भाई इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, इससे भी छोटे बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, और उनकी वीडियो व्यूज आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स मैं देख रहा हूँ यार। लोग कमेंट भी कर रहे हैं उस पे, और फिर वहां से लोग देख के इन्फ्लुएंस होते हैं कि हाँ उनके उनकी रील पे इतने व्यूज आते हैं, तो हम भी ऐसी वीडियो बनाएंगे, और फिर और भी ट्राई करते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है अगर छोटे बच्चे ड्राइव कर रहे हैं तो। इसीलिए पीयूषी अपने को गलत इन्फ्लुएंस नहीं करना किसी को। इसीलिए गाइस आप भी वो जो रील होती है ना, मैंने देखा रील में बहुत सारे बच्चे चलाते हैं, उससे इन्फ्लुएंस मत होना, वो सब गलत चीजें हैं। मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा 10-10 रुपये का तो आता है, 10-10 रुपये का सूप आता है, पैसे नहीं है कह रहा हूँ। दो पैकेट ले आया, 20 रुपये पड़े थे मेरे पास, पता नहीं कौन सा, ये कप एंड सोप, ये ट्राई करेंगे। यूजुअली हम वो वाला पी रहे थे, टमाटो और स्वीट कॉर्न पी रहे थे, ये वाला ट्राई करते हैं। साहिल को पसंद नहीं है सूप, पता नहीं क्यों। फोन दोबारा हीट हो चुका है फुल। डार्लिंग उमरादा वादा कर, क्या 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 तुम्हे? डार्लिंग उमरादा वादा कर, चुप हो यार, ये गले भर के दोनों दोनों। इट्स टाइम फॉर 14 आ गए होली, 14 आ गए। चैरिटी जम नमः, चैरिटी जम मेरा। अरे कितने बार करोगे? लो ना। अरे रुक जा ना। अरे 10 रुपए में इतना ही मिलता है, कितना लोगे? अरे करने दे यार।
बस 10 रुपए में 50 रुपए निकाल लिया। ओलू पकड़ो इसको, पकड़ो, क्या हो गया इसको? तो अभी फिलहाल हमारा सूप रेडी हो रहा है, तो कुछ इस तरह का लग रहा है। ये क्या है? हटियो? ये काला काला क्यों हो रहा है? ये यूजुअली तो रेड होता था। डाल, पहले थोड़ा पी के देख, पहले थोड़ा पी के देख, पता नहीं कैसे हो रहा होगा यार। अभी मत पी, रुक जा, थोड़ा ठंडा होने दे, रहने दे, जीभ जल जाएगी। ठंडा ही तो कर रहा हूँ। ठंडा करने की निंजा टेक्निक। टेस्ट मतलब ठीक है, सूप जैसा टेस्ट आ रहा है। जैसे ही कूलर चलाया हमने, ओरियो भी यहीं पे आ गया। भाई प्रेशर ज़्यादा नहीं, अगर प्रेशर ज़्यादा होता ना तेरे ऊपर आता सीधा सारा सूप। तो जो हमने सूप बनाया था ना वो बिल्कुल भी सही नहीं था, तो हमको फेंकना पड़ा। तो अभी मैगी बनाई है, सभी मैगी खा रहे हैं, नवीन को छोड़ के। नवीन को मैगी पसंद नहीं है। लास्ट टाइम जब खाई थी तब आपने देखा होगा, अराउंड 10 दिन हो गए होंगे आराम से। तो कभी कभी चलता है। घर पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो अभी हम पार्क आए हैं, थोड़ी देर अंदर ही घूमते हैं। तो हम दोनों तो यहाँ पे लेट गए, गर्मी लग रही है, मतलब यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। मेरे को लग रहा था ठंडी ठंडी हवा चलेगी, बट जो कि नहीं चल रही है, यहाँ भी फुल गर्मी हो रही है यार। चलो ठीक है, मिलते हैं। ये कुछ सब्सक्राइबर्स थे यहाँ पे। तो गाइस ये पॉपआउट हो चुका है, अभी मैं पनीर लेके आया, ये पूरा देखो, और काटा ओरियो को देने के लिए, और एकदम से मैंने सूंघा, इतनी गंदी बदबू आ रही है इसमें से, तो ये पनीर ख़राब हो रखा है। अभी वापस करके आते हैं, रात के 9 बज चुके हैं, अब वापस जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अगर सुबह जाऊँगा तो फिर वो कहेंगे कि रात को तुमने कहीं रखा, ख़राब हो गया होगा। तो अभी मैं लेके आया थोड़ी देर पहले, तो भी वापस करके आते हैं यार, क्योंकि और ही पनीर खाएगा ना। तो पनीर वापस करके आ गया, बट मैं थोड़ा सा चख लिया था, तो मेरा मन पूरा ख़राब हो चुका है, मतलब अंदर वही बदबू सी आ रही है। मैं वापस करने गया, इतने मम्मी ने खाना ही खा लिया, अब मुझे अकेला खाना पड़ेगा। तो ये मैं तो अपना डिनर ऊपर ले आया, लौकी सब्जी, रोटी, चटनी और दही। वैसे दही रात को खाते नहीं है, बट इतनी गर्मी हो रही है ना, तो मेरा दही खाने का बहुत मन कर रहा है। बाय द वे मैंने चावल बचा लिए अपने, रात को खाऊंगा आराम से। तो गाइस बात ऐसी है, लाइट जा चुकी है, तो सारे कूलर वूलर सब बंद हो गए हैं, और नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है स्टूडियो में भी। तो फिलहाल अभी सारे बाहर सो गए हैं, मम्मी भी, पीयूष तो फ़ोन में लगा है, और यू और साहिल भी यहीं सो गए हैं, पापा जी नीचे ही हैं। ऊपर ही सो गए आज रात भर, सो जाओगे? मेरे को तो अभी एडिटिंग भी करनी है यार, मैंने तो अभी तक एडिटिंग भी नहीं करी, तो 11 बजने वाले हैं। चलो ठीक है, आप सो, मैं एडिटिंग करता हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 12:47, और एडिटिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है, बट इतनी गर्मी हो रहा है, लिटरली पसीने से भीग चुका, जल्दी से कंप्लीट हो गया, जाता हूँ बाहर, बाहर ही सोता हूँ। आज सारे नीचे ही सोए हैं बाहर बिछा के, तो मैं वहीं सो जाऊंगा, क्योंकि लाइट आई नहीं, पता नहीं क्या सीन, लाइट ही नहीं आ रही, पता नहीं रात भर आएगी नहीं आएगी, जो भी है 1 बज गए। फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वैसे यहाँ के भी कुछ खास लग नहीं रहा, गर्मी लग रही है, एंड नो सब्सक्राइबर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कौन से चैनल को? सौरभ जोशी व्लॉग्स। अच्छा।